दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इसी के साथ ही 16 जनवरी से भारत में भी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन के जरिए लोग कोरोना से जंग जीतने की शुरुआत कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की इन वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। जहां वैक्सीन को लेकर भारत में भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वहीं भारत में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को इस चिंता से आश्वस्त कराया है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर चिंता जाहिर की है और साथ ही लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने के लिए कहा है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस बात पर चिंता जताई है, जिस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत सारे शरारती तत्व वैक्सीन पर अफवाहें फैलाकर लोगों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देशवासियों को सही जानकारी दी जाए ताकि कोरोना से लड़ाई की जंग में भारत सफलता प्राप्त कर ले। वहीं वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर बात करें तो नॉर्वे सरकार की ओर से ये दावा किया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद वहां 23 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि नॉर्वे में अमेरिका में तैयार की गई फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मरने वालों की उम्र 80 साल से भी ज्यादा बताई जा रही है। बहरहाल कोरोना वैक्सीन की सभी अफवाहों को परे रख दिल्ली एम्स में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। एम्स में पहली कोरोना वैक्सीन सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक कर्मचारी को लगाई गई है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल तर्कश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।